आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है एक मंदिर के अंदर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, एक ऐसा पैगाम देने की कोशिश की जो आजकल हमें देखने को नहीं मिलता है। हमें नफरत की बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलती है जहाँ पर हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, मुस्लिम क्रिश्चियन, दलित अपर कास्ट को लड़ाने के सैकड़ों मामले रोज़ाना हमारे सामने आते हैं, लेकिन इस तरह के मामले कम मिलते हैं जहां पर सद्भावना को बढ़ावा दिया जाए, जहां पर ये कोशिश की जाए कि दो धर्म के लोग एक साथ गले मिलकर के भी रह सकते हैं। ऐसे मामले आजकल हमें कम देखने को मिलते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है अयोध्या से। एक अयोध्या का एक मंदिर है, श्री सीताराम मंदिर। सीताराम मंदिर, ये उसकी फुटेज है। वहाँ पर एक रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बाकायदा आयोजन सिर्फ रोज़ा इफ्तार का ही नहीं किया गया, रोज़ा इफ्तार किया गया, उसके बाद वहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई। और वहाँ के जो पुजारी हैं, युगल किशोर ने बताया कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कोई रोज़ा इफ्तार, ये लगातार तीसरी साल हो रहा है और हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता रहेगा। और वैसे ही मुसलमान भी वहाँ पर नवरात्रि के जो रोज़े रखे जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, उनका भी आयोजन करते हैं। तो ये एक अच्छी पहल दिखाई दे रही है। आइए आपको वो फुटेज दिखाते हैं जहां पर मंदिर के पुजारी भी बैठे हुए हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, इसके बाद हम आपको पूरा वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें पुजारी मंदिर के युगल किशोर साथ में बैठ कर के इफ्तार कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो पुजारी हैं, युगल किशोर जो महंत हैं, उन्होंने क्या कहा इस रोज़ा इफ्तार को लेकर के। आपको ये पूरा वीडियो फुटेज दिखाते हैं। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है और जाग है, इसका संदेश जो है पूरी दुनिया, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। तो ये था पूरा वीडियो जो आपने देखा कि किस तरह से एक अच्छी मिसाल कायम की गई है, एक बेहतरीन पहल की गई है। इस पहल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए क्योंकि यही हमारे देश की असली संस्कृति है जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मजाहिब के लोग मिल करके एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के खुशी में, एक दूसरे के गम में शामिल होते हैं, साथ में मिल करके त्यौहार मनाते हैं। हम इनको मुबारकबाद देते हैं हमारे एपिसोड की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को पता चले कि नफ़रत की राजनीति के इस दौर में मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग आज भी बाकी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है, इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @ शहजाद बर्नी पर जा करके आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।